अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक ऑफ स्टडी है प्लास्टिड। प्लास्टिड की वेरियस टाइप्स होते हैं, वेरियस फंक्शंस होते हैं। तो आइए देखते हैं प्लास्टिड बेसिकली क्या है। प्लास्टिड्स आर लार्ज पिगमेंट कंटेनिंग बॉडीज़ फाउंड इन ऑल टाइप ऑफ प्लांट्स एंड एल्जी। प्लास्टिड क्या है? पिगमेंट कंटेनिंग बॉडीज़ हैं और ये तकरीबन सभी प्लांट्स और एल्जी में प्रेजेंट होते हैं। पिगमेंट्स क्या होते हैं? कलर्ड कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। प्लास्टिड का फंक्शन क्या होता है? मैन्युफैक्चरिंग एंड स्टोरेज ऑफ फूड। प्लास्टिड का मेन फंक्शन क्या है? मैन्युफैक्चरिंग एंड स्टोरेज ऑफ फूड। कुछ और फंक्शंस भी हैं, वो अभी हम देखेंगे। आप देखेंगे प्लांट्स के अंदर मैंने बात की कि प्लास्टिड प्रेजेंट होते हैं, तो प्लांट क्या करते हैं? अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं। तो कैसे तैयार करते हैं? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्लास्टिड। प्लास्टिड उसमें प्रेजेंट होते हैं, इसलिए प्लांट अपनी खुराक खुद तैयार करता है। स्पेसिफिक टाइप की प्लास्टिड जैसे क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है, अभी हम स्टडी करने वाले हैं। तो मेन फंक्शन क्या है प्लास्टिड का? मैन्युफैक्चरिंग एंड स्टोरेज ऑफ फूड, ठीक है। सबसे पहला जो टाइप है प्लास्टिड का वो हम स्टडी करते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरो का मतलब होता है क्लोरोफिल, प्लास्ट कम्स फ्रॉम प्लास्टिड। तो क्लोरोप्लास्ट इसका नाम इसलिए पड़ा कि इसके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है। इट इज़ अ टाइप ऑफ प्लास्टिड हैविंग ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या है? ग्रीन पिगमेंट है। अभी हमने बात की प्लास्टिड के अंदर क्या होते हैं? पिगमेंट्स होते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर कौन सा पिगमेंट है? क्लोरोफिल, जिसका कलर कैसा है? ग्रीन। इसी वजह से प्लांट्स हमें ग्रीन नज़र आते हैं। स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं तो क्लोरोप्लास्ट की राउंड ग्रेन्यूलर ओवल सी स्ट्रक्चर होती है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। और इसकी स्ट्रक्चर डबल मेम्ब्रेन बाउंड्री होती है। स्ट्रक्चर की बाउंड्री क्या है? डबल मेम्ब्रेन होती है। जो बाहर वाली मेम्ब्रेन है उसे आउटर मेम्ब्रेन कहा जाता है, अंदर वाली मेम्ब्रेन को इनर मेम्ब्रेन कहा जाता है। आउटर और इनर मेम्ब्रेन के दरमियान के रीजन को इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट की जो डबल मेम्ब्रेन बाउंड्री होती है, ये आपने याद रखना है। इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो आपको वैकेंट एरिया नज़र आ रहा है, यहाँ पर फ्लूइडी पोर्शन होता है जिसे स्ट्रोमा कहा जाता है। स्ट्रोमा के अंदर क्या होते हैं? प्रोटीन, राइबोसोम और डीएनए एम्बेडेड होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। यानी कि क्या पता चला? क्लोरोप्लास्ट के अंदर डीएनए भी है, प्रोटीन भी हैं, राइबोसोम्स भी हैं। तो राइबोसोम क्या है? प्रोटीन मेकिंग मशीनरी है। डीएनए क्या है? उसके पास इन्फॉर्मेशन होती है। तो यहाँ से हमें पता चला कि क्लोरोप्लास्ट भी एक सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली है, यानी इसको रेप्लिकेट होने के लिए, प्रोटीन की फॉर्मेशन के लिए न्यूक्लियस से इन्फॉर्मेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। होपफुली आपको समझ आ रही होगी। अब हम कुछ और स्ट्रक्चर्स को देखते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये मैंने राउंड सैक लाइक स्ट्रक्चर ड्रा कर रखी है। ये राउंड सैक लाइक स्ट्रक्चर को थाइलेकोइड कहा जाता है। ये जो सिंगल राउंड सैक लाइक स्ट्रक्चर है इसको थाइलेकोइड कहा जाता है, और ये थाइलेकोइड मेम्ब्रेन से पैक्ड होती है। थाइलेकोइड के अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर फोटोसिंथेसिस, ठीक है। होपफुली आपको समझ आ रही होगी। ये जो राउंड स्ट्रक्चर है सिंगल एग स्ट्रक्चर को थाइलेकोइड कहा जाता है। अच्छा, बहुत सारे थाइलेकोइड मिलते हैं, वन आफ्टर अनदर स्टैक्ड होते हैं, ठीक है, अरेंज होते हैं। इस तरह अरेंजमेंट में आप देख पा रहे होंगे, एक दूसरे के ऊपर अरेंज हुए हुए होते हैं, और इस अरेंजमेंट से एक नई स्ट्रक्चर बनती है जिसको ग्रैनम कहा जाता है। और एग ग्रैनम, ये आपको एग ग्रैनम नज़र आ रहा है जो बहुत सारे थाइलेकोइड से मिलकर बना है। ये आपको दूसरा ग्रैनम नज़र आ रहा है। ग्रैनम मिलकर ग्रेना बनाते हैं, उसका प्लूरल फॉर्म को ग्रेना कहा जाता है। ग्रैनम जो है एक दूसरे के साथ इंटरलिंक होते हैं, एक ग्रैनम दूसरे ग्रैनम के साथ इंटरलिंक होते हैं थ्रू अ ब्रिज, ठीक है। उस ब्रिज को क्या बोलते हैं? इंटरग्रेना, ठीक है। ये आगे स्ट्रक्चर की सारी चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर दी हैं। अब हम फंक्शन की तरफ चलते हैं। क्लोरोप्लास्ट हेल्प इन सिंथेसिस ऑफ फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल विच कैप्चर सनलाइट एंड यूटिलाइज इट टू मेक फूड। क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन क्या है? फोटोसिंथेसिस के जरिए फूड की प्रिपरेशन करना, क्योंकि इसके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है जो क्या करता है? सनलाइट को कैप्चर करता है और उससे ग्लूकोज की सिंथेसिस करता है, फूड की मैन्युफैक्चरिंग करता है। कैसे करता है कि प्लांट्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की प्रेजेंस होती है, तो सनलाइट को यूज़ करके उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, और ग्लूकोज क्या है? एक टाइप है फूड की। तो ये इसका मेन फंक्शन है क्लोरोप्लास्ट का, सिंथेसिस ऑफ फूड। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। यहाँ पर MCQs के लिए आपने एक बात याद रखनी है, एवरी प्लांट सेल कंटेन्स 10 to 100 क्लोरोप्लास्ट। हर जो प्लांट सेल है उसमें तकरीबन 10 to 100 यूनिट्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ प्लास्टिड जिसे क्रोमोप्लास्ट कहा जाता है। क्रोमो का मतलब होता है कलर्ड, प्लास्ट कम्स फ्रॉम प्लास्टिड। क्रोमोप्लास्ट कंटेन कलर पिगमेंट कैरोटीनाइड। जैसे कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर पिगमेंट क्लोरोफिल था जो ग्रीन पिगमेंट था, क्रोमोप्लास्ट के अंदर जो पिगमेंट है वो कैरोटीनाइड है, और कैरोटीनाइड पिगमेंट वेरियस कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, कैरोटीनाइड की वजह से प्लांट के अंदर वेरियस कलर आते हैं। और प्लांट के कौन से पोर्शंस में वेरियस कलर्स होते हैं, ज़्यादा कलर्स? डेफिनेटली फ्लावर्स और फ्रूट। ठीक है, तो फ्लावर्स और फ्रूट के अंदर जो डिफरेंट कलर्स होते हैं, खूबसूरत खूबसूरत कलर्स, वो किसकी वजह से होते हैं? क्रोमोप्लास्ट की वजह से होते हैं। क्रोमोप्लास्ट के अंदर कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट होता है? कैरोटीनाइड पिगमेंट होता है। फंक्शन की बात करते हैं तो क्रोमोप्लास्ट का फंक्शन है अट्रैक्ट इंसेक्ट फॉर पोलिनेशन। डेफिनेटली फ्लावर्स के डिफरेंट कलर होंगे तो वो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करेंगे। इंसेक्ट्स आएंगे फ्लावर के ऊपर नेक्टर के लिए, बैठेंगे तो क्या है, उनके पाँव के साथ पोलन्स लगेंगे। अब पोलन जो हैं दूसरे फ्लावर के साथ अटैच होंगे और वहाँ पर फर्टिलाइजेशन और पोलिनेशन का फिनोमेना होगा। ये हम डिटेल से पोलिनेशन वाले चैप्टर में स्टडी भी करेंगे। तो क्रोमोप्लास्ट की वजह से क्या हो रहा होता है? पोलिनेशन होती है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। नेक्स्ट फंक्शन है डिस्पर्सल ऑफ सीड थ्रू एनिमल्स। डिस्पर्सल ऑफ सीड थ्रू एनिमल्स का मतलब ये है कि फ्रूट्स के भी डिफरेंट कलर्स होते हैं। तो एनिमल्स क्या करते हैं, आते हैं फ्रूट को खाते हैं तो उसके साथ सीड भी उनकी बॉडी के अंदर जाता है। अब बाज़ सीड जो होते हैं वो डाइजेस्टेबल नहीं होते, उनकी बॉडी, एनिमल की बॉडी उन सीड को डाइजेस्ट नहीं कर पाती, तो वो सीड जो है एज इट इज़ थ्रू फीसेज एक्सक्रीटेड हो जाता है एनवायरनमेंट में। ठीक है, अब वो सीड जो है सॉइल में जाएगा तो वहाँ पर एक नया पौधा जनरेट होगा। तो इस तरह सीड जो है डिस्पर्सल होता रहता है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है जो किसकी वजह से हो रहा है? क्रोमोप्लास्ट की वजह से हो रहा है। अब हम थर्ड टाइप की प्लास्टिड की तरफ जाते हैं जिसको ल्यूकोप्लास्ट कहा जाता है। ल्यूको का मतलब होता है कलरलेस, प्लास्ट कम्स फ्रॉम प्लास्टिड। ल्यूकोप्लास्ट के अंदर पिगमेंट जो होता है वो विजिबल नहीं होता, यानी नज़र नहीं आता, कलरलेस होता है। ल्यूकोप्लास्ट आपको अंडरग्राउंड पोर्शन ऑफ प्लांट्स में नज़र आएंगे, प्रेजेंट मिलेंगे। ठीक है, अंडरग्राउंड पोर्शंस कौन से होते हैं? रूट्स होते हैं और ट्यूबर्स वगैरह होते हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ स्टेम्स में भी ल्यूकोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। ल्यूकोप्लास्ट का फंक्शन क्या है? ल्यूकोप्लास्ट का मेन फंक्शन है स्टोरेज ऑफ फूड। ठीक है, जैसे कि हमने शुरू में पढ़ा कि प्लास्टिड का काम क्या है? मैन्युफैक्चरिंग एंड स्टोरेज ऑफ फूड। तो स्टोरेज ऑफ फूड कौन कर रहा है? प्लास्टिड की एक स्पेसिफिक टाइप जिसको ल्यूकोप्लास्ट कहा जाता है। ल्यूकोप्लास्ट के भी फिर डिफरेंट टाइप्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ मालिक्यूल के वो कौन सा मालिक्यूल स्टोर कर रहे हैं। अगर ल्यूकोप्लास्ट कार्बोहाइड्रेट मालिक्यूल को स्टोर कर रहे हैं तो उन ल्यूकोप्लास्ट को एमाइलो प्लास्ट कहा जाएगा। अगर ऑयल को स्टोर कर रहे हैं तो एलायो प्लास्ट कहा जाएगा। अगर प्रोटीन को स्टोर कर रहे हैं तो प्रोटीनो प्लास्ट कहा जाएगा। ठीक है, तो होपफुली आपको समझ आई होगी। यहाँ पर मैं आपको एक MCQs वाला क्वेश्चन बता दूँ जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। प्लांट्स के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट स्टोर्ड होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं? तो आपको याद होना चाहिए प्लांट्स के अंदर कार्बोहाइड्रेट स्टार्च की फॉर्म में स्टोर्ड होते हैं। ठीक है, जबकि एनिमल्स के अंदर पूछा जाए तो आपने क्या कहना है कि एनिमल्स के अंदर कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर्ड होते हैं। अब हम क्विकली रिव्यू कर लेते हैं फुल लेक्चर को। प्लास्टिड क्या होते हैं? लार्ज पिगमेंट कंटेनिंग बॉडीज़ हैं। इसकी 3 टाइप्स हमने स्टडी की, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट को हमने देखा कि क्लोरोप्लास्ट रिस्पॉन्सिबल होता है फोटोसिंथेसिस के लिए, और इसका कौन सा रीजन रिस्पॉन्सिबल होता है फोटोसिंथेसिस के लिए? ग्रैनम, क्योंकि ग्रैनम में थाइलेकोइड होते हैं। थाइलेकोइड के अंदर क्या होता है? क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। फिर हमने देखा कि क्रोमोप्लास्ट क्या होते हैं? कलर्ड पिगमेंट होते हैं जो फ्लावर और फ्रूट में प्रेजेंट होते हैं और ये पोलिनेशन और डिस्पर्सल ऑफ सीड करते हैं। फिर हमने देखा ल्यूकोप्लास्ट जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द स्टोरेज ऑफ फूड। होपफुली आपको मेरा ये लेक्चर समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम एंडोसिम्बियोन्ट थ्योरी की स्टडी करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।